नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, भारतीय टीम ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 8 रनों से हरा दिया है। यहां पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए अहम मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और आखिरी ओवर में मैच को अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत और इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-2 की बराबरी पर पहुंच गई है। दोस्तों, भारत के 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 177 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स 46 और जॉनी बेस्टो ने 40 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों, वहीं पर भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट और हार्दिक और चहर ने 2-2 विकेट हासिल किए। दोस्तों, बात करें मैच की तो दोस्तों गुरुवार को इंग्लैंड के कप्तान ऑयन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। रोहित शर्मा ने जब पहले ही गेंद पर छक्का लगाया तो लगा कि हिटमैन जो है वो बड़ी पारी खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, चौथे ओवर में आर्चर ने उन्हें अपनी ही गेंद पर कैच कर पवेलियन भेज दिया। लोकेश राहुल पिछले 3 पारियों से दोहरे अंक में नहीं पहुंच पा रहे थे और इस बार दोहरे अंक में वो पहुंचे। लेकिन दोस्तों, 17 गेंदों पर 14 रन ही वो बना सके। स्टोक्स ने दोस्तों उन्हें आर्चर के हाथों पर कैच करवा दिया। इसके बाद दोस्तों, स्पिनर आदिल रशीद ने कप्तान विराट कोहली को अपनी स्पिन पर चकमा देकर स्टंप आउट करवा दिया। सूर्य कुमार 57 रन बनाकर इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में बल्लेबाजी का मौका मिला और उन्होंने मौके को भुनाते हुए शानदार पारी खेली। भारतीय टीम के महत्वपूर्ण मुकाबले में 8 विकेट पर 185 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 30 और श्रेयस अय्यर ने 37 रन का योगदान दिया। भारत इस सीरीज का अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाने में सफल रहा। आर्चर ने 33 रन देकर 4 विकेट लिए। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने दूसरे टी20 में पदार्पण का मौका मिला था, यानी कि उनको डेब्यू करने का मौका मिला था। लेकिन दोस्तों, दूसरे टी20 में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी और इसके बाद दोस्तों तीसरे टी20 में वो ड्रॉप हो गए थे। लेकिन दोस्तों, चौथे टी20 में उनको दोबारा से टीम में चुना गया और उसके बाद नंबर 3 पर उन्हें उतारा भी गया और उन्होंने 31 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने सैम करन की गेंद पर मलान के हाथों कैच आउट हुए, लेकिन वो कैच दोस्तों एक संदिग्ध लग रहा था। उस कैच पर काफ़ी सवालिया निशान थे, लेकिन दोस्तों तीसरे अंपायर ने भी निर्णय देने में काफ़ी समय लिया और सूर्य कुमार यादव टी20 में अपनी पहली पारी में अर्धशतक बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं पर दोस्तों इस सीरीज में जिन 2 मैचों पहले और तीसरी टी20 में भारतीय टीम को हार मिली थी, उसमें पावर प्ले में पहले 6 ओवर में भारत का स्कोर बेहद कम था। लेकिन इस बार भारत ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बनाए और इससे पहले दूसरे टी20 में भारत ने 1 विकेट पर 50 रन बनाए थे। वहीं पर दोस्तों, भारतीय टीम 14वें ओवर में 4 विकेट पर 110 रन थी, जहां पर दोस्तों श्रेयस अय्यर 37, ऋषभ पंत 30 के साथ में 5 विकेट की साझेदारी में 34 रन जोड़े थे। पंत को दोस्तों आर्चर ने बोल्ड किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज 23 गेंदों की पारी में 4 चौके लगाए। वहीं पर दोस्तों, अय्यर ने केवल 18 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं पर दोस्तों, हार्दिक पांड्या 11 रन ही बना सके। वॉशिंगटन सुंदर 4 रन बनाकर आर्चर की गेंद पर राशिद के हाथों कैच पकड़ा गया। वहीं पर दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की तरह ही सुंदर के कैच का निर्णय भी तीसरे अंपायर की मदद से लिया गया, जहां पर दोस्तों वो भी थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा था और उस कैच पर भी सवालिया निशान थे और ऐसा लग रहा था कि कैच लेते समय राशिद का पांव जो है वो सीमा रेखा से छू गया था। हालांकि दोस्तों, ये निर्णय काफी मुश्किल था और इसी वजह से ऑन फील्ड अंपायर के साथ में जो थर्ड अंपायर है उनको जाना पड़ा और उस यहां पर सुंदर को जो है वो आउट करार दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने 2-2 से यहां पर श्रृंखला को बराबर लाकर खड़ा कर दिया और दोस्तों डू और डाई मुकाबला होगा 20 मार्च को और दोस्तों वो मुकाबला शाम को 7 बजे से लाइव खेला जाएगा, जिसके लिए प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डेली न्यूज अड्डा। थैंक यू।